नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताने वाले हैं जिनमें से अगर एक भी उपाय आप करेंगे तो आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा, यानी कि खूब पैसा कमाना है। तो आज मैं जो पांच उपाय बताने वाला हूँ उनमें से कोई एक उपाय आप कर सकते हैं। इससे आर्थिक तंगी जो कि आपकी दूर होगी, परेशानियां दूर होगी, आर्थिक परेशानियां दूर होगी, साथ ही आपको पैसा भी मिलने लगेगा। दोस्तों, वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, तो इस वीडियो के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। साथ ही अगर आप हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल पर नए हैं तो हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर भोलेनाथ जी का आशीर्वाद चाहते हो तो कमेंट में जय भोलेनाथ जी लिखना ना भूलें। तो चलिए बिना गवाए शुरू करते हैं। आजकल के समय में सभी लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है और वो है पैसा। जी हाँ दोस्तों, पैसों के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। हर एक चीज खरीदने के लिए, हर चीज को पाने के लिए आपको पैसों की जरूरत होती है। पैसों के बिना कोई भी काम नहीं होता। लोग पैसा कमाने की हर संभव कोशिश करते हैं, परंतु किसी ना किसी कारणों से धन प्राप्ति के मार्ग में बहुत से बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं। जी हाँ दोस्तों, इस जिंदगी में, इस पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं वे पैसे के लिए ही कार्य करते हैं, पैसे के लिए ही काम करते हैं, पैसे के लिए ही जॉब करते हैं। अगर पैसा आएगा तो ही वो अपनी जो जरूरत है वे पूरा कर सकते हैं, अपने लाइफ को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। इसलिए हर एक आदमी जो कि पैसे के पीछे भागता है, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ ही लोगों को जो कि पैसा मिलता है, कुछ ही लोग अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, अपनी जीवन शैली को अच्छे से जी सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को धन प्राप्ति के मार्ग में बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं। लाख कोशिश करने के बावजूद भी जब व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति काफी हताश हो जाता है। परंतु आपको परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में ऐसे बहुत सारे जो कि उपाय बताए गए हैं जिनकी सहायता से आप देवी लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और आपको अपनी मेहनत से धन पाने में जो कि सहायता भी मिलेगी। दोस्तों, आप जितना चाहे उतना मेहनत करिए, लाख कोशिश करने के बावजूद भी अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो ज्योतिष शास्त्र के कुछ उपाय को आपको अपनाना चाहिए, जिससे कि देवी लक्ष्मी माँ आपके ऊपर प्रसन्न होगी और आपके मेहनत के प्रतिफल भी आपको मिलने लगेगी। आज हम आपको इस वीडियो में धन पाने के कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिनको अपनाने से घर में धन की देवी माता लक्ष्मी जी की स्थायी रूप से वास होगी और जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। अगर आपके घर में देवी माता लक्ष्मी जी का वास होगा तब आपको पैसों की कमी कभी भी महसूस नहीं होगी। तो चलिए जानते हैं उन पांचों उपायों के बारे में विस्तार से। सबसे पहला है, शास्त्रों में इस बात का जिक्र किया गया है कि जिस घर के अंदर नियमित रूप से या फिर हर शुक्रवार के दिन श्री सूक्त अथवा लक्ष्मी सूक्त का पाठ होता है, उस घर के अंदर धन की देवी माता लक्ष्मी जी का वास हमेशा बना रहता है। अगर आप माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने घर में यह पाठ जरूर किया करेगा। इससे जीवन की आर्थिक तंगी दूरी होगी और धन प्राप्ति के बहुत से मार्ग भी हासिल होंगे। दोस्तों, श्री सूक्त अथवा लक्ष्मी सूक्त का पाठ आपको जब जब यानी कि शुक्रवार के दिन नियमित यानी कि अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर सुबह स्नान कर एकदम फ्रेश होकर बिना कुछ खाए पिए अपने जो कि घर में जो मंदिर रहते हैं उसके सामने बैठकर श्री सूक्त अथवा लक्ष्मी सूक्त का पाठ आप किया करें। इससे आपके जिंदगी में आपकी जीवन की आर्थिक तंगी दूर होगी और धन प्राप्त के बहुत सारे अवसर मार्ग भी हासिल होंगे। दूसरा जो उपाय है, वास्तु शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत सी परेशानियां लेकर आती है। दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा ही हमें जो कि काम करने में पीछे खींचती है।
जी हाँ दोस्तों, अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार रहता है तो उसकी वजह से घर परिवार में किसी न किसी कारण से अशांति बनी रहती है। हर वक्त नकारात्मक ऊर्जा से अशांति बनी रहती है, आपका मन चंचल बना रहता है, मन को शांति नहीं मिलती। अक्सर परिवार के सदस्यों के बीच मन मुटाव बना रहता है। जिन घर के अंदर अशांति फैली रहती है वहां पर माता लक्ष्मी जी नहीं ठहरती। नकारात्मक ऊर्जा और घर में अशांति की वजह से ही माता लक्ष्मी आपके घर में नहीं ठहरती। इसलिए आप सप्ताह में एक बार समुद्री नमक से घर में पोछा जरूर लगाएं। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, घर में समुद्री नमक को लाकर रखिया करेगा और जब भी आपको सप्ताह में समय मिले आप एक दिन फिक्स करेगा, चाहे वो सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, गुरुवार हो, शुक्रवार हो, शनिवार हो, रविवार हो, कोई भी एक दिन को आप फिक्स करेगा और उस दिन हर उस सप्ताह में नमक से घर में पोछा जरूर लगाएगा। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और माँ लक्ष्मी खुद ब खुद आपके घर ठहरने आएगी। इससे धन की जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, आर्थिक तंगी चल रही थी, वे तुरंत खत्म होगी। तीसरा जो उपाय है, आप प्रत्येक अमावस्या के दिन अपने घर की अच्छी तरह से साफ सफाई जरूर किया करेगा। अगर आपके घर के अंदर कोई फालतू सामान रखा हुआ है तो आपको उसे बाहर निकाल देना चाहिए या फिर उस सामान को बेच देना चाहिए। आप घर के मंदिर में 5 अगरबत्ती लगाएं, इससे आपको शुभ फल भी मिलेगा। दोस्तों, अमावस्या के दिन घर की साफ सफाई तो आपको करनी ही चाहिए, साथ ही अगर फालतू का सामान अगर आपके घर में पड़ा है एक तो उसे बेच दीजिएगा या भंगार में डाल दीजिएगा, अगर वो नहीं जरूरत है तो उसे घर से बाहर निकाल दिया करिएगा। और मंदिर में हर रोज 5 अगरबत्ती, अगर आपको रोज नहीं होता है तो अमावस्या के दिन 5 अगरबत्ती लगाया करेगा। चौथा उपाय है, आप पूर्णिमा को कंडे के उपले को जलाकर किसी मंत्र से 108 बार आहुति दीजिए। इस उपाय को करने से धार्मिक भावना उत्पन्न होती है, इतना ही नहीं बल्कि घर से जुड़ी हुई परेशानियां भी समाप्त हो जाती है। इसके अलावा आप कंडे को जलाकर इसके ऊपर लोबान को रखकर महीने में 2 बार आप घर में इसका धुआं जरूर लगाएगा। इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और आखिरी जो उपाय बताने वाला हूँ बहुत ही खास है, बहुत ही फायदेमंद है, तो इसे भी आप जरूर कर सकते हैं। अगर आप आर्थिक रूप से काफ़ी परेशान चल रहे हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपकी आर्थिक परेशानियां दूर हो, तो आप गुरुवार के दिन पीपल के पेड़ पर सदा जल अर्पित कीजिएगा। इसके पश्चात आपको घी का दीपक भी जलाना होगा। इसके अतिरिक्त आप शनिवार के दिन गुड़ और दूध मिश्रित जल पीपल के पेड़ पर अर्पित कीजिएगा। साथ ही आप सरसों के तेल का दीपक जलाएगा। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो इससे आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत बनेगी। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से थे वे 5 उपाय, जिनमें से कोई एक भी आप करेंगे तो आपके पास पैसा आना नहीं ठहरेगा, बहुत सारे जो कि धन प्राप्ति के अवसर मार्ग भी आपको मिलने लगेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करेगा, साथ ही हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।